जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी पठानकोट की ओर से ब्लॉक सुजानपुर के गांव गो में एक सेमिनार का आयोजन अथॉरिटी के सचिव सीजीएम रंजीव पाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें ट्रेनिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट परमिंदर पिंदू तथा बीडीपीओ सुजानपुर जसवीर कौर विशेष रूप में शामिल हुए। इस मौके पर सिविल जज राजीव पाल सिंह चीमा ने सरपंचों पंचों को नालसा की स्कीमों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की आमदन 3 लाख से कम है उनको अथॉरिटी की तरफ से मुफ्त कानूनी सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग महिला मजदूर जेलों में बंद लोग को भी मुफ्त कानूनी सहायता वे प्राप्त कर सकते हैं। आज पठानकोट के ब्लाक सुजानपुर विखे असी एक सैमीनार आयोजित किया जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पठानकोट वालों आयोजित किया गया। असी इस सैमीनार दे विच असी इलाके के बहुत सारे पंचां सरपंचां दे नाल सारे विचार वटांदरा जिहड़ा उह सांझा किया है। नाले असी इन्हां नूं इह जानकारी दित्ती है कि आउंदी 13 अगस्त नूं लोक अदालत जिहड़ी आ लगाई जा रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपलैक्स पठानकोट विच, ते उहदे विच ये पूरा अपने पिंड के वसनीकों दसन कि लोक अदालत के बहुत सारे फायदे ने जिद की शमूलीत दे नाल लोक अदालत कामयाब होगी तो लोगों का बहुत सारा फायदा होगा। इस दे नाल ही असी अज पंचा सरपंचा के नाल ही इलाके के लोगों को यह भी जानकारी दी है कि मीडिएशन दे की फायदे ने, लोगों के झगड़े जड़े ने आपसी विचार वटांदरे मिल बैठ के जड़े ने हल किए जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पठानकोट ये अपना बहुत अच्छा रोल भी निभा रहा है, तो असी लोगों अपील भी करते हैं कि वो तो वे अपने केस जड़े ने वो समझौता सदन मीडिएशन सेंटर के लैके आन ता कि उन्हों का फायदा हो सके।